सनातन धर्म को विदेशों में प्रमुखता से फैलाने वाला ये युवा संत कौन है, जिससे आज के युवा फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हो या कोई और काम, इनके बारे में पढ़ने और जानने के लिए आतुर रहते हैं। इनके छोटे से जीवन में उन्होंने देश के लिए कई बड़े काम किए, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इतना ही नहीं, ये संत फोटो में लगते हैं इतने स्टाइलिश कि आज के स्टाइलिश लोग भी उनसे टक्कर नहीं लेना चाहते। लाखों युवाओं के दिलों में राज करने वाला ये संत सनातनी परंपरा का गर्व है, जो महज 25 साल की आयु में गेरुआ वस्त्र पहनकर पैदल ही पूरे भारत की यात्रा में निकल गया था। जब भी कोई विद्यार्थी अपने जीवन में निराश हो जाता है और उसे अपने जीवन में हर एक और अंधेरा दिखाई पड़ता है, तो इस संत के विचार उस विद्यार्थी में नई ऊर्जा भर देते हैं। 31 मई 1893 को मुंबई से विदेश यात्रा पर निकलने वाले ये संत कोई और नहीं बल्कि काली माँ के उपासक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे जब स्वामी जी जापान और चीन की यात्रा के बाद 11 सितंबर 1983 को शिकागो में हो रही धर्म संसद में पहुंचे, तो उन्होंने अपने बचपन के श्लोक सुनाकर वहां पर आए लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने का काम किया था। अपने इसी भाषण में उन्होंने धर्म के नाम कट्टरवादी फैलाने वाले को दो टूक जवाब दिया था। आपने स्वामी विवेकानंद के उस भाषण के बारे में सुना होगा कि जब शिकागो के उस धर्म संसद में उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा था, वही उनकी भाषण की शुरुआती कुछ शब्दों ने वहां बैठे लोगों के दिल जीत लिए थे और वे खुद को कई मिनटों तक ताली बजाने से रोक नहीं पाए। स्वामी विवेकानंद ने उस भाषण में कहा था कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, जिस स्नेह के साथ आपने मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर गया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों को जननी की एक तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। इस भाषा में स्वामी विवेकानंद ने अपने धर्म पर गर्व जताते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सही पूर्णता सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को शरण दी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल के सबसे पवित्र अवशेषों को संजो रखा है जो भारत आए थे और हमारे साथ शरण ली। इजराइलियों का पवित्र मंदिर रोमन अत्याचारों द्वारा टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। मुझे उस धर्म का होने पर गर्व है जिसने भव्य पारसी राष्ट्र के अवशेषों का आश्रय दिया और अभी भी उनका पालन पोषण कर रहा है। अपने इस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने अपने बचपन में पढ़ने वाले भाषण को दोहराते हुए उसका मतलब समझाया। रुचिरांग वैचित्राय द्विजु कुटिल नाना पंथ जुषाम निर्णा मे को गमत गमयस त्वमसी पयसामर्णव इव। इस श्लोक को बोलते हुए स्वामी जी ने इसका मतलब बताया कि जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है, लेकिन ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं पर ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने गीता के एक उपदेश को भी दोहराया। ये यथामा प्रबद्यन्ते तास्थैव्य भजाम्यहम् मम वत्मानो वर्तते मनुष्या पार्थ सर्वसा। इसका मतलब समझाते हुए उन्होंने कहा, जो भी मुझ तक आता है किसी भी रूप में मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य उस रास्ते के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो मुझ तक पहुंचती है। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है, इसे बार बार मानव रक्त से सरोबार किया है, कई सभ्यताओं को नष्ट किया है और कितने देश मिटा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने अपने भाषण में कट्टरवादियों के लिए दो टूक कहा था कि यदि ये भयानक राक्षस न होते तो मानव समाज अभी भी तुलना में कहीं अधिक विकसित और उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन की शुरुआत में जो घंटी बजाई गई है वह सभी कट्टरता की मौत की घंटी हो सकती है, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से। उन्होंने आगे कहा कि अगर यहाँ कोई उम्मीद करता है कि यह एकता किसी एक धर्म की विजय और अन्य धर्मों के विनाश से आएगी, तो मैं उससे कहता हूँ कि यह आशा असंभव आशा है। बीज भूमि में डाला जाता है और उसमें वायु जल मिट्टी होती है, तो क्या बीज पानी वायु और मिट्टी बन जाता है? नहीं, वो एक पौधा बन जाता है।
वह अपने नियम के मुताबिक ही विकसित होता है। ठीक ऐसा ही धर्म के साथ भी होता है। हमें ईसाई को हिंदू और हिंदू या बौद्ध को ईसाई नहीं बनाना है, बल्कि दूसरों की भावनाओं को आत्मसात करना होगा और विकास के अपने नियम के अनुसार आगे बढ़ाना होगा। स्वामी विवेकानंद का भाषण समाप्त होते ही पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंज उठी। आज भी जब उस पल को याद किया जाता है तो सभी भारतीयों का सीना गर्व से फूल जाता है।